सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। शाहजहांपुर में धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया गया। रंग बिरंगे रंगों व गुलाल के साथ आमजन जमकर होली खेले। कोरोना संक्रमण से बाहर निकलने के बाद ये शाहजहांपुर की होली धूमधाम के साथ मनाई गई। पूरे भारत में शाहजहांपुर की होली इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ लाट साहब का जुलूस निकाला गया है। इस दौरान लाट साहब को पूरे शहर में भैंसा गाड़ी पर बैठाकर घुमाया गया। इस तरह का जुलूस पूरे भारत में कहीं भी नहीं निकाला जाता। 14-15 शाबान को रोजा रखने की बड़ी फजीलत है। हदीस शरीफ में है कि शबे बरात की रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया औरैया जिले में शबे बारात के त्योहार को मुस्लिम समुदाय ने परंपरागत तरीके से मनाया। शबे बारात के मौके पर इबादत में गुजारने की परंपरा है। मनाए जाने वाले शबे बारात पर्व को लेकर हजरत बाबा शाह जमाल साहब की दरगाह पर मुल्क में अमन और चैन बना रहे दुआएं मांगी। साथ ही औलिया अल्लाह के मजारत पर भी जाकर लोगों ने फातिहा पढ़ी तथा मस्जिदों में नमाज पर दुआएं की। कन्नौज में होली मनाने जयपुर से गांव आए युवक को दबंगों ने जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही एएसपी सीओ सहित कोतवाल मौके पर पहुंचे। मृतक अनूप यादव शहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाला शरेशाम हुई हत्या के बाद गांव में जाति हिंसा की आशंका है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। प्रदेश में बदमाशों के खौफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लगातार बदमाशों द्वारा दिए गए घटनाओं को अंजाम देने की खबर सामने आती है। ताजा मामला जनपद संबल के थाना बनियाढेर के चौकी नरौली क्षेत्र अंतर्गत बड़ी वारदात का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कस्बे के पास एक गेहूं के खेत में मजदूरी पर रखवाली कर रहा था, तभी किसी ने चाकू से गोद कर दो लोगों को घायल कर दिया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भेज दिया। वहीं हुई बड़ी वारदात को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। संबल में दो पक्षों के अलग अलग समुदाय के लोगों में विवाद हुआ। विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से तीन लोग घायल हुए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने चार लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं तीन लोगों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। होली पर शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज दिनांक 8 मार्च 2023 को ग्राम सिसोन डांडा थाना राजपुरा में पुलिस को सूचना मिली कि दो पक्षों में झगड़ा हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्षों के मेडिकल करवाए गए। दोनों पक्षों के चोट सामान्य प्रकृति की है। इसमें चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। यही पता चला है कि इनमें से एक पक्ष ठाकुर जाति से व दूसरा समुदाय एससी वर्ग से बिलोंग करता है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि इन दोनों पक्षों ने आपस में शराब पीकर एक दूसरे के साथ मारपीट की है। हरदोई में एक 15 साल की किशोर की हत्या कर दी गई। 15 वर्षीय किशोर का शव गेहूं के खेत में मिला। उसकी दोनों आंखों पर चोट के निशान थे। माना जा रहा है कि उसकी आंख फोड़ने के बाद हत्या की गई थी, जिसमें एक आंख उसकी बाहर भी निकल आई। घटना के बाद एसपी राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही घटना की गहनता से पड़ताल करने में पुलिस की टीम जुट गई। ये ग्राम बरियाताला है, थाना तड़ियावां में। इसमें एक युवक की डेड बॉडी मिली है। संभवतः गला दबा करके उसकी हत्या की गई है और दोनों आंखों पर भी इंजरी है। कल रात से ही लाश देखा गया है होलिका दहन के आसपास।
और अभी इसकी जो बॉडी मिली है इसकी पड़ताल की जा रही है, और जो भी तहरीर मिलेगी और पोस्टमार्टम से जो आएगा उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 पर शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे शराबी ने अपनी बुलेट बाइक को आग के हवाले कर दिया। आग लगने के चलते बाइक जलकर स्वाहा हो गई। साथ ही इस मौके पर फायर ब्रिगेड की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर बिना पानी के ही आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड। वहीं पानी ना होने के चलते धू धू कर जली बाइक पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई। वहीं शराब के नशे में बाइक को आग के हवाले करने वाले युवक ने पुलिस के सामने भी हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बुलंदशहर के जागीराबाद से अनूप शहर आ रहे तीन युवकों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की मौत हो गई, अन्य दो गंभीर घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सड़क हादसे का लाइव वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में बाइक पर पीछे बैठा एक युवक फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।